मौसम की बेरुखी को लेकर तिरवाहा क्षेत्र के लोगों ने नमाज अदा की। मझोलिया पश्चिम चंपारण के तिरवाहा क्षेत्र के लोगों ने नमाज अदा की। बता दें, मौसम की बेरुखी को लेकर बढ़िया टोला, बोगड़ी, बथना, गढ़वा, सुराही टोला के लोगों ने नमाज अदा की। लोगों का कहना है कि किसान अपना खून पसीने सींच के धान एवं गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी से किसान बदहाल है। इसी तरह मौसम रहा तो लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। किसान दमकल द्वारा अपने खेतों की सिंचाई कर फसल लगाई, लेकिन मौसम की बेरुखी से फसल बर्बाद हो रही है। मौसम इसी तरह रहा तो किसान भूखे मर जाएंगे। इस नमाज के में हजारों लोग सम्मिलित हुए और अल्लाह से यह दुआ की कि जल्द ही बारिश हो जिससे किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाए। पश्चिम चंपारण से संवाददाता राजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज आप लोग तिरवा क्षेत्र में जो नमाज कर रहे हैं, इसकी क्या मकसद है? देखिए, हम लोगों के आने का मकसद यहाँ सिर्फ ये कि अपने मालिक के सामने रो करके, गिड़गिड़ा करके और अपने कमी को, ताही को उसके सामने पेश करके फिर रहमत की बारिश मांगे। क्योंकि यहाँ किश्तकार काश्तकार ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी बड़ी मेहनत से इन्होंने खेती किया है। खेती करने के वक्त से बारिश की कमी की वजह से इन्होंने पंपी सेट से या और किसी जरिए से अपने खेती को किया है। अब खेती जो है कुछ तैयार होने के करीब है। अब जाकर के बारिश अचानक रुक गई, अब फसलें जो हैं सब सूखने के करीब हैं, उसके अंदर बीमारियां पकड़ रही हैं। ऐसे हालात में जब चीज़ें आती हैं तो हमें अपने मजहब के अतबार से अल्लाह के तरफ से हुक्म होता है कि बंदे जाकर के तुम पानी हमसे मांगो। इसी बुनियाद पर हम लोग सब तिरवा इलाके से आए हुए हैं ताकि हम लोग अपने कमी कोताही को मालिक के सामने रखते हुए उसे रहमत की बारिश मांगें, ताकि तमाम फसलें जो हैं सरजो सावदाब हो जाएं और तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। बस मकसद हम लोग का यही है। शुक्रिया।